अगर झूठ बोलने की स्पर्धा हो जाए तो श्री केजरीवाल का पूरी दुनिया में नंबर एक आ जाए मित्रों, नंबर एक। अभी अभी प्रवेश ने बताया, कल रात को ही बात हुई थी कि भैया तुम तुम्हारे क्षेत्र के स्कूल देखकर मुझे बताओ क्या है। मैंने कहा केजरीवाल जी आपने 1000 स्कूल बनाने थे, आपने नहीं बनाए, आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने 1000 का तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हमारे स्कूल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। आज प्रवेश जाकर आए, कहा मटियाला जाकर आए प्रवेश, मटियाला की स्कूल में जाकर आया, केजरीवाल जी आपके पास भी एड्रेस दिया है प्रवेश ने, इसको ट्वीट किया है, मीडिया वालों को भी मालूम पड़ गया। कल जाकर वहां देखो जो बिल्डिंग गिराने की सिफारिश है वहां पर स्कूल चल रही है, 1000 बच्चे को जान के जोखिम में आपने डाला है और आप ट्वीट कर झूठ फैला रहे हो। मित्रों केजरीवाल सरकार ने 5 साल में दिल्ली को 10 साल पीछे छोड़ने का काम किया है। विकासपुरी वालों, जनकपुरी वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि आप एक बार मोदी जी के हाथ में ये दिल्ली की सरकार दे दीजिए, 5 साल में विश्व की सबसे अच्छी राजधानी हम बनाएंगे। और हमने कई जगह बनाया है, गुजरात के अंदर, अब उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन आया है। केजरीवाल जी आपने कहा था यमुना जी का पानी स्वच्छ कर देंगे, मुझे बताओ भाई जनकपुरी वालों पानी स्वच्छ हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो स्वच्छ हुआ है? केजरीवाल बाबू नदियां कैसे स्वच्छ होती है वो देखना होता तो प्रयागराज के कुंभ में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते मालूम पड़ता। मोदी जी और योगी जी ने गंगा को स्वच्छ कर निर्मल कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। मैं आज कहकर जाता हूं आपको, एक बार मोदी जी की सरकार ला दो, भाजपा सरकार ला दो, ये यमुना पर एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाएंगे। अहमदाबाद में साबरमती पर हमने बनाया है, दुनिया भर के यात्री ये यमुना का रिवर फ्रंट देखने आएंगे। ये अनधिकृत कॉलोनियों को, ये अनधिकृत कॉलोनियों को मोदी जी 5 साल तक पत्र लिखते लिखते थक गए। 2015 में लिखा, 17 में लिखा, 18 में लिखा, केजरीवाल जी ने इसके नक्शे नहीं दिए, उनकी इच्छा ही नहीं थी। उनको डर था कि अनधिकृत कॉलोनियां अगर अधिकृत हो गई तो अनधिकृत कॉलोनी के मेरे भाई बहन मोदी जी के साथ जुड़ जाएंगे। 19 में आपने फिर से सरकार बना दी, हमने इस बार पत्र पत्र कुछ नहीं लिखा, सैटेलाइट से इसका नक्शा बनाकर सारी की सारी 1731 अनधिकृत कॉलोनी के 50 लाख लोगों को मालिकाना हक दे दिया। ये तो हमने कर दिया, अब इसको केजरीवाल रोक नहीं सकते। ये मोदी जी ने आपको दिया है 500 रुपया 1000 रुपया में आपका घर आपके नाम पर करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसको वो रोक नहीं सकते। परंतु इसके अंदर अभी रोड बनाना है, स्ट्रीट लाइट डालनी है, बच्चों को खेलने का बागीचा बनाना है, अच्छी स्कूल बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, अगर न करे नारायण केजरीवाल सरकार फिर से आ जाए तो ये काम करेगी क्या? करेगी क्या? मित्रों ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मित्रों मैं आज आपको, बारिश होने वाली है, लंबी बात करना नहीं चाहता। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया,
भोले शंकर की तरह कृपा करी, हमारे साथ के साथ सांसद प्रवेश को भी जिताकर मोदी जी के समर्थन में संसद में भेज दिया। 303 सीटें भारत की जनता ने मोदी जी को दे दी, मोदी जी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत आया, राज्यसभा में भी बहुमत आया और एक के बाद एक के बाद एक 70 साल से लटके हुए सारे मसलों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। मुझे बताओ जनकपुरी वालों, आप सभी देश का दरेक बच्चा चाहता था या नहीं चाहता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने? चाहते थे या नहीं चाहते थे? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? मित्रों, 550 साल से पूरा देश चाहता था मगर इसको लटका कर रखा। जब भी तिथि आती थी केस चलने नहीं देते थे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता कहते थे, कपिल सिब्बल जी कहते थे, अभी मत चलाओ, अभी रहने दो। क्यों भैया कपिल जी, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, वो अपनी वोट बैंक से डरते थे, केजरीवाल राहुल बाबा सारे, इनकी वोट बैंक आप हो क्या? आप हो? जोर से बोलो जनकपुरी वालों, आप हो? उनकी वोट बैंक कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कौन है? मित्रों, ये इनकी वोट बैंक से डरते थे मगर मोदी जी ने इस बार कोर्ट में केस चल गया, 5 जजों ने फैसला दे दिया। मैं आपको बताने आया हूं कि 4 महीने के अंदर वही स्थान पर जहां रामलला का जन्म हुआ था, आसमान को छूने वाला राम मंदिर हम बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग जनकपुरी के लोग, बताओ आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? अब भला धारा 370 और 35 के रहते कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पूर्ण बहुमत दिया, राज्यसभा में बहुमत आया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कल 26 जनवरी थी, कल 26 जनवरी थी, कश्मीर के अंदर अपना तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था मित्रों, आसमान की ऊंचाई। और इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं, खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक गोली भी नहीं चली, आज कश्मीर शांत है और शांत के साथ भारत माता का मुकुट मणि बनकर वहां खड़ा है। हम तो जब से छोटे थे तब से नारा लगाते थे, मेरे साथ बोलना मित्रों, क्या नारा लगाते थे? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का। मित्रों, ये लोग कश्मीर को भारत में अभिन्न अंग बनाने का भी विरोध करते। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अगली सभा में कहा केजरीवाल जी को ट्वीट कर एक सेकंड में जवाब देते, एक सेकंड में मैंने कहा कि जेएनयू के अंदर जिन लोगों ने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े हो 1000, उनको हमने जेल में उठाकर डाल दिया था। डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मित्रों, हमने जेल में डाला, ये विरोध करते थे, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार। भैया केजरीवाल, दिमाग में जितनी बातें हैं गाली निकालनी है तो हमें निकाल दो, कोई आपत्ति नहीं, आपका वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। पेट न भरे तो मेरी पार्टी को निकाल दो, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो जो करेगा उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। एक साल हो गया केजरीवाल जी को, मैं आज जनकपुरी की जनता के सामने पूछना चाहता हूं कि आप, हमने जो चार्जशीट करी खालिद पर, उस पर आप प्रोसिक्यूशन का परमिशन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? आपको स्पष्टता के साथ दिल्ली की जनता को बताना चाहिए। आपने रोक कर रखा है एक साल से, जिन्होंने भारत माता के टुकड़े करने की बात करी उस पर केस नहीं चलाने देते हो, आप क्या चाहते हो भैया, क्या चाहते हो? और मित्रों, ये मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, शाहीन बाग के साथ हैं। मित्रों, ये सीए का विरोध करें केजरीवाल। अरे भाई ऐसा मत बोलो, बंद बोलो, भारत माता की। मित्रों, मोदी जी सीएए लेकर आए, सीएए क्या है? देश का विभाजन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई रह गए, उनके साथ वहां पर अत्याचार हो गया। घर वालों के सामने ही घर की महिलाओं पर अत्याचार किया, बलात्कार किया, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को उठाकर ले गए, धर्म परिवर्तन कराए, निकाह पढ़वा दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, जायदादें छीन ली गई। जो 100-100 करोड़ रुपए के मालिक थे, आज दाने दाने के मोहताज होकर भारत में आ गए। लाखों करोड़ों लोग आज भारत में आए हैं और केजरीवाल कहते हैं कि ये पाकिस्तानी, जनकपुरी में ये विधानसभा में पाकिस्तान से आए हुए, 47 में से पाकिस्तान से आए हुए मेरे पंजाबी भाई रहते हैं और अभी भी आने वाले रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो शरणार्थी आए थे वो पाकिस्तानी है और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों की चिंता कर रही है। केजरीवाल, आपकी अक्कल को क्या हुआ? वो जहां से भाग कर आए हमारे सिंह, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, उनको शरण देना हमारा धर्म है केजरीवाल, उनको शरण देना हमारा फर्ज है।